सीने में गुरु अमरदास जी ने फरमाया कि इस मंदिर की रचना उस मालिक ने स्वयं कुदरत को आदेश देके करवाई, और जब तैयार हुआ तब आप वहां शब्द रूप से स्वयं तीसरे तिल पर विराजमान है। न कोई पूजता उसको लगे मृगजल के पीने में, उस घट में जहां बाप जी विराजमान है उनको प्रार्थना नहीं सुनाते, और समाधि साहब के भवन में बाप जी विराजमान है उनको सुनाते हैं, वहां भी है विराजमान, लेकिन घट में ज्यादा नजदीक है ना भाई, वहां तो कोई निगर नहीं है, यहाँ तो 100 आदमी प्रार्थना करते हैं किसकी सुनेंगे, वहां मेरे बाप जी मेरे अकेले के हैं, आपके घट में वो आपके अकेले के, उससे ज्यादा नजदीक दूसरा बाप जी कहाँ हो सकते हैं। तो कबीर साहब ने गुरु अमरदास जी ने कहा न कोई पूजता उसको लगे मृग जल के पीने में, ये अपन क्या कर रहे हैं बाहर जो ढूंढ रहे हैं बाप जी को, ये मृत कृष्णा को पी रहे हैं। मृत कृष्णा का जल ऐसा होता है दिखता है होता नहीं है, छलावा है, केवल रेगिस्तान में तपती हुई रेत पर वायु के अत्यंत गर्म हो जाने की वजह से उसके अस्तर में जो है ना उसके उसकी सघनता में परिवर्तन आ जाता है, कई वायु मिनरल होती है कई सघन होती है, उससे तरंगे बढ़ती है, उन तरंगों का जल जो है ना भासता है, और मृग जो है ना वो धूप में उसको पीने के लिए मीलों मीलों दौड़ता है, पर आखिर प्यास से जो है थक हार करके फट जाता है धूप में, जेठ बैसाख की गर्मी में कलेजा फट जाता है मर जाता है। ये मृग तृष्णा बाहर ढूंढना मृग तृष्णा, ये तो सभी महापुरुष कह गए संत मन के बहुत बड़े ऊंचे दर्जे के भक्त गुरु अमरदास जी, जिन्होंने कबीर साहब की महिमा में बड़ी सुंदर जेठ की पूनम जिस दिन आएगी 5-7 दिन बाद में, उस दिन गुरु अमरदास जी के उस कवित्व को अपन याद करेंगे कबीर साहब की महिमा में, कैसे सुंदर उन्होंने महिमा करी अपने इष्ट की गुरु महाराज की। तो उनका हुक्म है यही बाप जी का है, यही यहाँ कबीर साहब कहते हैं कि पंचम सदगुरु मूर्ति को ध्याना, मूर्ति का ध्यान तीसरे तिल पर, तास अनुमुख यह विनती जाना, पावन पतित नाम प्रभु केरा, मौसम पतित नहीं जग हेरा, और शरणागति का आखिरी अंग और सबसे कठिन, और उसके पूरा होने पर शरणागति पूरी, और शरणागति पूरी होने पर भवसागर से अभी का अभी इसी वक्त तरना पूरा, छठ में आप गुरु ही समर्पे ताको काल कबूल नहीं करते। छठा अंग क्या है शरणागति का, अनन्यता का, कल चर्चा में शुरू हुई थी कि अनन्य प्रेम बाप जी को प्रसन्न करने वाला है, और उस अनन्यता के ये 6 लक्षण कबीर साहब ने फरमाए। छठा लक्षण क्या है, छठ में आप को गुरु ही समर्पे ताको काल कबूल नहीं करते, अपने आप को समर्पित कर दे, यानी फिर मैं तो रहा नहीं गुलाम हो गया, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, अपने आप को समर्पण करना, कहना बिल्कुल सरल, सबसे सरल तो यही है कहना कि भाई हम क्या है, हम तो बाप जी के शरण है, बाप जी जाने जैसा तुम्हें हमारी लाज बढ़ाई, आपको ही हमारी लाज बढ़ाई है, रोज कहते हैं अपन, अभी तक बाप जी ने सुनी नहीं, ऐसा नहीं है कि बाप जी जानते नहीं अपन जो बोल रहे हैं सुन रहे हैं, लेकिन अपन कहां से बोल रहे हैं वो भी बाप जी जानते हैं, अपने आप को बाप जी को अर्पण कर दे, और अर्पण करने का है तो बड़ा लंबा चौड़ा विषय, लेकिन यदि संक्षेप में समझना हो तो कबीर साहब ने फरमाया जब हम थे तब गुरु नहीं अब गुरु है हम नहीं, प्रेम गली अति सांकरी तामे दोन समान, बाप जी को अर्पण होना यानी फिर मैं नहीं बचता कुछ भी पीछे, ये अहंकार कैसे बिटेगा, बाप जी ही बाप जी रह जाएंगे, मैं कहां गायब हो जाएगा, ये बाप जी के गुण गाने से बाप जी की महिमा को याद करने से प्रेम के साथ बाप जी के स्वरूप का ध्यान करने से बाप जी के प्रेम का साधन जो बाप जी ने सुरत शब्द योग के तौर पर बताया उस नाम का साधन करने से वह प्रेम इतना अनमोल प्रेम अपने जैसे कठोर हृदय में भी पैदा हो सकता है, इसलिए कि इन सभी सत्संगी जो यहाँ विराजमान है उन सबको बाप जी ने छांटा है, और इनके घट में बाप जी ने प्रेम का बीज बोया है, भक्ति का बीज बाप जी ने रखा है, ये सब के सब निर्मल हृदय हैं, निर्मल आत्मा है, सब के सब लायक हैं, हिम्मत हार होने से काम नहीं चलेगा, लेकिन बाप जी की लीला और प्रेम को समझ करके उस प्रेम को
प्रेम नहीं, उसकी नमी तो लाओ। बरसात का पानी नहीं है तो बरसात की हवा भी ठंडी होती है। जहां दुनिया में नजर जाती है सिवाय बाप जी के प्रेम और बाप जी की लीला के अलावा और है क्या? कहां कुछ है? दिखाई देता है, मेरे को दिखाई देता है, ये मेरी नजरों की त्रुटि है। सिवाय बाप जी और बाप जी की प्रेम की लहर यानी मौज के तो कुछ है नहीं। लाली मेरे लाल की जित देखूं नित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। दुनिया में रहने की मनाही नहीं, दुनिया में बरतने की मनाही नहीं। क्यों? ये दुनिया क्या है? जगत भी बाप जी की प्रेम की लहर का विस्तार है। कबीर साहब ने कहा कि ये समस्त रचना सारी की सारी कुदरत, ये दुनिया की तमाम अच्छी और बढ़िया और सुंदर चीजें मेरे लाल की लाली तो है। जहां देखूं वहां वो ही तो दिखाई देता है। अपने को नहीं देता है, अपने को नहीं दिखाई देता है, अपने मेल है। जब निर्मल होगा तब दिखाई देगा। लेकिन जो निर्मल आत्मा है, जो गुरुमुख है, जो प्रेमी है, जो अनन्य भक्त है, अनन्य भक्तों की बात चल रही है, जो सच्चे शरण वाले हैं, उनको वही दिखाई देता है जित देखूं तित लाल। और फिर वो दुनिया में रहे तो भी वो बाप जी की लीला ही देख रहे हैं और उनकी भक्ति वैसे ही पक रही है। लाली देखन में गई हमें, वो उसी का रूप हो गई, अपना बचा ही नहीं। छठवें आप को गुरु समर्पे, ताको काल कबू नहीं डरपे। उसको काल कभी डरा नहीं सकता, काल की कोई ताकत नहीं है कि ऐसे सच्चे शरण मुख गुरुमुख सच्चे अनन्य प्रेमी को उसका बाल भी बांका कर सके। बाप जी साहब के प्रवचन में अनेक जगह आया है, सीम की चाप सकई कोई तासू बड़े रखवाल रमापति दास। जिसके बड़े रखवाले स्वयं मालिक खुद हो, क्या उसकी सीम को कोई दबा सकता है क्या? सीम यानी खेत की मेड़ किनार। पड़ोसी जबर होता है, अपन कमजोर होते हैं तो जबरे पड़ोसी थोड़ी थोड़ी सीम दबाता है हर बार। लेकिन जिसका रखवाला, बाप जी कहते हैं कि जिसका रखवाला वो बड़ा रखवाला वो मालिक स्वयं है, जो सच्चा शरणागत है, जो छठ में आपको गुरु समर्पे जिसने अपने आप को बाप जी को अर्पण कर दिया, उसके रखवाले बाप जी हैं, उसको कोई क्या डराएगा, उसकी सीम को कोई क्या दबाएगा। और जिसने इस तरह से पूरी तरह समर्पण कर दिया, पूरी शरणागति बौसागर से अभी काफी पार। यह सतगुण जो कोई धारा बौसागर पल में कर पार, ये इसी के अंदर है, वो लाइन अलग से नहीं है। यह छह गुण शरणागति के जिसने पूरी तरह से अपने आचरण में ढाल लिए, कसर नहीं रही, पूरा शरणागत हुआ, पूरा गुरुमुख हुआ, पूरा अनन्य प्रेमी हुआ, सब मेल पूरी तरह से साफ हुए और भवसागर को उसी क्षण पार कर गया। जिसने इस तरह से अपना आपा मेल का सब मेल का बीज ये आपा, बाकी सारे विकार काम क्रोध लोभ मोह इसी अहंकार से ही पैदा हुए, जब उसने वही समर्पण कर दिया, वही नहीं बचा, तो पूरी तरह से निर्मल हुआ। और जो पूरी तरह से निर्मल हुआ उसके लिए कबीर साहब ने फरमाया है, अब तो मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहे कबीर कबीर। ये शरणागति पूरी तरह से निर्मल करने का और भी कई साधन है, ये सबसे सरल, सबसे सर्वांग, सबसे संपूर्ण, इससे सरल दूसरा साधन नहीं। कमजोर और निर्बल जीव शरण ले सकता है और क्या करने करेगा? बैराग पका सकते हैं, पर बैराग के रास्ते पर नहीं निभा होगा, ज्ञान के मार्ग पर निभा नहीं होगा। प्रेम का मार्ग, शरणागति का मार्ग जरूर मिला जुला है, लेकिन शरणागति का मार्ग शुरुआती लोगों के लिए है, करने का मार्ग जो है वो बड़ा कठिन है। उसके लिए निर्मलता चाहिए, पवित्रता चाहिए, लगन चाहिए, शौक चाहिए, दीनता चाहिए। ये सब चीजें अपने में कहाँ है, कहाँ से लाएंगे? तो कुछ नहीं है तो शरण ले लो बाप जी की सच्चे तौर पर, तब भी वे अनन्य प्रेम के भागी हो जाएंगे और
कबीर साहब ने फरमाया जब इतने निर्मल हो गए तो जैसे बच्चा अपनी मस्ती में घूमता है पीछे तो माँ ही घूमती है उसको ढूंढती हुई, ऐसे कबीर साहब कहते हैं मेरा शरणागत भक्त जब उसका इस तरह से निर्मल मन हो गया और वो जहाँ जाता है वो मालिक को याद करे कि नहीं करे उसका सुमरण मालिक करते हैं पाचे पाचे हरि करे कहे। ये है अनन्य प्रेम का महात्म, यह है अनन्य प्रेम की महिमा। अपन भी बाप जी से प्रार्थना करें अपने को भी उस प्रेम का एक किनका दया करके बख्श, नहीं तो ये मनुष्य शरीर मिला हुआ यह सत्संग मिली हुई और साक्षात सच्चे पूरे संत सद्गुरु मिले हुए यदि प्रेम इस जीवन में थोड़ा बहुत कच्चा पक्का झूठा सच्चा भी नहीं आया तो बेकार चला जाएगा, क्योंकि जो कुछ है वो प्रेम ही है। नाम का सुमरण करते हैं प्रेम हासिल करने के लिए, शब्द का अभ्यास बाप जी कराते हैं प्रेम की पात्रता देने के लिए। यदि कबीर साहब ने फरमाया साखी को भी अपन ने साखी संग्रह में पढ़ा था उस समय याद किया था, नाम ने रटा तो क्या हुआ, सुमरण करने की इतनी महिमा कभी सांसों सांस नाम लेना है और फिर आगे कहते हैं कि नाम नहीं रटा तो कोई बात नहीं चलेगा। कबीर साहब फरमाते हैं नाम ने रटा तो क्या हुआ जो अंदर है हेत, यदि अंदर में हेत है प्रेम है तो भले ही नाम नहीं रटा कोई बात नहीं चलेगा। आगे उदाहरण देते हैं पतिव्रता पति को भजे मुख से नाम न ले, पतिव्रता अपने पति का नाम जबान से नहीं लेती तो क्या वो पति के नजदीक नहीं है दिल से, सबसे ज्यादा नजदीक तो वही है। तो मूल चीज ये प्रेम है, कल वो भजन शुरू हुआ था प्रेम का मार्ग वाकर है उसी के ऊपर अपन ने चर्चा शुरू किया, अभी उसकी पहली लेन भी पूरी हुई नहीं है क्योंकि ये विषय ही इतना गंभीर है अपने जैसे अल्प बुद्धि वाले जो अपन को जानते नहीं है अपन इसकी महिमा इसकी गहराई को क्या समझे। बाप जी से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे निर्मल प्रेम का एक एक कण अपन सब सत्संगियों को भी अपनी दया से विरत से बख्शे और अपना भी मनुष्य जन्म और उनकी शरण में आना सत्संग में आना सफल हो जाए। इसी प्रार्थना के साथ मेरा जरूर सैयद में भेज देना और जो कोई मेरे को सैयद कहे उनको जरूर नरक में भेज देना, मेरे को जरूरत नहीं है तुम्हारे शहीद खानदान के रखो ठिकाने, अच्छा हुआ तुम्हारे से रिश्ता टूट गया तुम लोगों ने तोड़ लिया नहीं तो मेरे से टूट तक नहीं टूटता। उनको अपने तन का अपने जात बिरादरी का गुमान नहीं था, उनको कदर थी गुरु महाराज की। कबीर साहब ने भी फरमाया जाति न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोह करो तलवार का अपन तलवार खरीदने बाजार में जाएंगे तो तलवार जिसमें रखी रहती है वो ज्ञान एक तरह से डब्बी तलवार की, डब्बी की सुंदरता देखेंगे कि तलवार की धार देखेंगे कैसी मजबूत लोहे की बनी हुई है, पक्के वाले लोहे की कच्चे वाले लोहे की है, काम आएगी कि नहीं आएगी, तलवार की धार देखनी है कि डब्बी देखनी है। लेकिन अपन डब्बी देखते हैं, डब्बी क्या है ये शरीर और इसके अंदर विराजमान आत्मा है वो तलवार। अपन क्या करते हैं कि ये कहते हैं शरीर कौन से घर का, ये शरीर तो बनी हाथों को अच्छा ही है नहीं इससे अपना नहीं देखेंगे ब्राह्मण अच्छे होते हैं तो खराब कौन होता है, कोई अपने आप को खराब मानता ही नहीं है, ये सब अपने गुमान में मरे जा रहे हैं। कबीर साहब ने कहा भाई ऐसा क्यों करना, उसके अंदर जो समझ बूझ है उसके अंदर जो मालिक के चरणों का प्रेम है उसकी कदर करो, जात की कदर करते हो, जात तो इस शरीर की है, ये शरीर तो चाहे आप मेरे को कितना ही पूजो 10-20 साल बाद में ये तो मिट्टी नहीं मिलने वाला है, तो आत्मा की कदर नहीं है, आत्मा के अंदर जो आत्म ज्ञान है उसकी कदर नहीं है, जो समझ बूझ है कदर होनी चाहिए सत्संगी की इस नाते से कि वो अपने बाप जी का सेवक है इसलिए वो पूजनीय है सर पर। मैं यदि अपने आप को अहंकार से पिंड छुड़ाना चाहता हूँ मेरा तो मेरा फर्ज है कि मैं सत्संगियों को सबको अपने सिरमौर समझू, क्यों कि वो मेरे बाप जी के सच्चे सेवक हैं, सारे के सारे मेरे लिए पूजनीय है। अब चाहे वो हरिजन हो गए कि चाहे वो चमार हो गए, अरे चंडाल हुआ तो क्या हुआ, सपच क्या थे, सपच चंडाल नहीं थे क्या, चंडाल थे। और जमाना जो ऐसा आज है वैसा ही पहले था, ऐसा नहीं कि पहले खराब लोग थे रब अच्छे हैं और पहले अच्छे थे रब खराब है, जमाना तो हमेशा ऐसा ही खराब है, जैसा बुल्ले शाह के समय में था जैसा आज है वैसा ही उस द्वापर के अंत में भी था, और युधिष्ठिर लोग भाई राजपूत और वो
उस समय पूरी दुनिया को जीते हुए उनके गुमान का क्या कहना, उनके घमंड का क्या कहना। अब उनका घमंड तो समझावे तो समझ में आवे नहीं, ऐसा घमंड कभी ऐसा बढ़ जाता है कि उसको कोई समझाना चाहे तो नहीं समझा सकते। तो उन्होंने राजसूय अश्वमेध यज्ञ किया और अश्वमेध यज्ञ का शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि जब अश्वमेध यज्ञ सफल तब माना जाता है कि उस अश्वमेध यज्ञ की पूर्णाहुति पर सहस्त्र कमल का अनहद नाद जो घंटे की आवाज है वो बाहर स्पष्ट सुनाई देनी चाहिए उस जगह, क्योंकि उस जगह तमाम जितने याचक हैं, दीन दुखी हैं, सबकी सेवा की जाती है, ब्राह्मणों की, पंडितों की, साधुओं की, फकीरों की, गरीबों की, जो मुंह मांगता है पूरा खजाना खाली कर दिया जाता है। तब सभी आत्माएं जब तृप्त हो जाती है तब उसका फल और फायदा ऐसा वेदों में सदग्रंथों में लिखा है कि घंटे की आवाज सहस्त्र कमल की मुखरित होकर के सुनाई देती है, तब ये मान लिया जाता है कि ये यज्ञ सफल हो गया। अब पांडवों ने जब यज्ञ किया उनके यज्ञ के सलाहकार कौन थे, स्वयं कृष्ण भगवान, पार ब्रह्म परमात्मा के अवतार, सहस्त्र कमल के घंटे की आवाज की क्या औकात की नहीं बजे, बजना ही चाहिए था लेकिन नहीं बजा, नहीं बजे। भगवान की सलाह से सब काम हुए, तमाम दुनिया के तमाम लोगों को निमंत्रण दिया गया, साधु संत समाज देशधारी किसी भी मुल्क के हों, दीन हो, गरीब हो, याचक हो, ब्राह्मण हो, सबकी आवश्यकताएं पूरी कही, जो जिसने मांगा उतना ही उसको दे दिया, सब खुश होकर के तृप्त होकर के गए, लेकिन घंटे की आवाज नहीं सुनाई दी तब वो उतर गए। जिनको बड़ा भारी गुमान था उनका सारा गुमान ठिकाने लगने का समय आ गया। भगवान ऐसा चाहते थे, वो चाहते तो घंटा बजवा सकते थे, लेकिन उनको उनका अहंकार गाड़ना था और भक्त की मर्यादा दुनिया में बढ़ानी थी। अब यदि पहले ही कहते थे कि भाई देखो और सबको निमंत्रण दे रहे हो अच्छी बात है, लेकिन एक सच्चा भक्त है उसको सबसे पहले बुला के उसको प्रेम के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ, आदर के साथ बुलाओ और उसको भोजन कराओ, तब अपना काम सफल होगा, परमात्मा मंजूर करेंगे, तो वो लोग मानते नहीं, क्योंकि वो जाति से स्वपच थे, चंगार थे। अब लोग जाति को कब छोड़े, कृष्ण भगवान के समय में जो उनके खास मित्र थे 500 पांडव वो नहीं छोड़ने वाले थे, बाती के समय में अपने सब सत्संगी मेरे से नहीं, मेरे दिल से नहीं निकली तो क्या किया जा रहा है, ये तो मन है ना, वो सुन लेगा तो सुन लेगा, तो नहीं निकले उनके मन से तो भगवान ने ऐसी लीला करी घंटा ही नहीं बजा, नहीं बजा घंटा, तब वो फीके हो गए, सारा तो खजाना खाली हो गया, इतने सालों से कोशिश करी, रात दिन इसमें एक लगा दिया और अभी भी घंटा नहीं बजा, तब और जो खजाना खाली हुआ उसका दुख भी थोड़ा है। असली दुख इस बात का है कि इतिहास में यह बात दर्ज हो जाएगी कि पांडवों ने यज्ञ किया और सफल नहीं हुआ तो नाक और कट गई, जो गुमान था आपका बचेगा, तुमने यज्ञ किया तुम्हारा तो सफल नहीं हुआ ना, कहां घंटा बजा था, तो अब तो और ज्यादा इज्जत का सवाल हो गया, घंटा कैसे बजे और उसको जबरदस्ती बजवा नहीं सकते, उस कुदरत में क्या जोर चलेगा पांडवों का, अर्जुन का जोर क्षत्रियों पे चलता था, भेरियों पे चला उसका तीर गुमान, क्या करें। तो भगवान से प्रार्थना करी, भगवान आपने कहा जैसे सब काम किया, जैसे जैसे आपने जो जो हुक्म दिया आपने किया, अब घंटा क्यों नहीं बजा। भगवान ने कहा भैया देखो किया है लेकिन कहीं अपनी कसर रही होगी, तो नम्रता आई थोड़ी, हीन होकर के बोले भगवान अब कसर है तो आप ही बताइए, हमें क्या पता कहाँ कसर है, हम तो नादान है, हमें क्या समझ में आती है, आपको जैसा और कर लेना। बोला ये बात तो ठीक है भाई, जो कसर है उसको पूरी करो तो जरूर घंटा बजेगा, यज्ञ सफल होगा। तो भगवान क्या कसर है, बोला भाई सबने भोजन पाया, अन्न के प्रसाद से सबकी सेवा की गई, लेकिन कोई सच्चा भक्त अभी आकर के भोजन नहीं किया, इसलिए घंटा नहीं। बोला भगवान इतने ऋषि मुनियों को बुलाया, बड़े बड़े अखाड़े वाले महंतों को बुलाया, बड़े बड़े आचार्यों को बुलाया, महामंडलेश्वरों को बुलाया, परमहंस मुनियों को बुला लिया, अपने गुरु महाराज हैं खानदान के जो कुल गुरु हैं उनको बुलाया, सबको बुलाया, और आप साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा आप भोजन कर लीजिए तो अपने आप पूरा हो जाएगा। बोला नहीं मेरे करने से नहीं होगा, मैं तो रोज भोजन करता हूँ ना, ये कितने दिन से चल रहा है, कहाँ बजा करता है, मेरे करने से नहीं होगा, भक्त की मर्यादा अलग है, मेरा भक्त की हैसियत के सामने मेरी कोई हैसियत नहीं है, अभी भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं भाई मेरे तुम कहो तो अभी मैं और भोजन करूँ, मैं तो भोजन करने वाला हूँ, रोज करता हूँ ना तुम्हारा भोजन, लेकिन
नहीं बजेगा, मैं तो वजन करूंगा, तुम प्रेम से करा दे मैं करता हूँ, लेकिन घंटा तब बजेगा जब कोई सच्चा प्रेमी अनन्य भक्त भोजन करेगा, उसको प्रसाद कराओ भाई। तो बोला कि ऐसे भक्तों ढूंढने कहाँ जाए, आप बताइए, दया करिए भगवान, आप जानते हैं अंतर्यामी है, क्यों हाँ ये बात मैं बताऊंगा, उसको ही बुलाना पड़ेगा। बोले बुलाएंगे क्यों नहीं, अपना अपना काम जिससे चलता उसको ही बुलाएंगे। तो बोला देखो भाई, यहाँ से कुछ दूर पर इसी तरह से एक झोपड़ी है, उसमें एक सोपच रहते हैं, सोपच कौन, भगवान चंडाल, क्यों हाँ चंडाल, वो सच्चे भक्त हैं, उनको बुलाए, बुलाना जरूरी है, उनको नम्रता और आदर के साथ बुलाओ और उनको भोग लगा के प्रसाद कराओ, आपका यज्ञ सफल हो जाएगा। मैं भी ये चाहता हूँ भाई, आप लोगों ने इतनी मेहनत करी और मैं भी आपके साथ इसमें लगा हुआ हूँ, तो अपना काम सफल होना चाहिए। बोला भगवान वो चंडाल जो है वो ऐसा भगत है, आप भी क्या बात करते हैं, बड़े बड़े पर आए उनको कोई भगत नहीं था क्या, चंडाल को बुलाना पड़ेगा, नूता दे करके, नूता दे करके नहीं, तुमको खुद जाके लाना पड़ेगा, उसको तो कोई गलत नहीं है। अब भाई क्या करे, काम अटका हुआ था, तब घमंड को नीचा डाला, पहले नौकर भेजने वाले थे, तो भगवान ने कहा नौकर को क्या भेजते हो, मूर्ख नौकर से आएगा क्या वो, जब तुमको तुम्हारा अरबों रुपया खर्च होने के बाद में जो काम सफल नहीं हुआ उसको सफल करने का तरीका मैं बताता हूँ, तुम नौकर को भेजते हो, राज दरबारी को भेजते हो, नहीं तुम पांचों भाइयों में से गो जाओ, तब भी इनको भेजा। भीम गया तो सोपच माँ अपना कोटड़ी का वो झोंपड़ी थी उसके मांस का फाटक इसे रखे हुआ, अंदर जो है ना अपने मालिक का नाम का सुमरण कर रहे हैं। भीम ने वो फाटक खोल करके अंदर जाकर देखा कि एक हरिजन जो है वो बैठा हुआ अंदर सुमरण कर रहा हो, तो बोला अरे कौन है अंदर बाहर निकल, राजा वहां के आज जोड़ के सोपच खड़े हो गए कि महाराज क्या आ गया है, अरे हमारे यहाँ यज्ञ चल रहा तुझे पता नहीं, जो पता है तो तू भोजन करने क्यों नहीं आया, सबको लूटा है पूरी प्रजा आ सकती है, तू क्यों नहीं आया, जो हुजूर मैं आपके यहाँ भोजन करता हूँ, आकांक्षा रखता हूँ, मैं तो चंडाल हूँ, जाति से संगी हूँ, मैं अपने घर पे जो भोजन बना के शुद्ध रूप का सुखा खाता हूँ वो आपका ही तो है, आप मालिक है, राजा है, मैं तो आपका ही भोजन यही कर लेता हूँ, बोला नहीं नहीं भोजन करने चल। और सबको जानते थे कि देखो इनका यज्ञ अटका हुआ है, मेरे से किस भाषा में बात कर रहे हैं, अभी इनको घंटा भी बजवाना है और मेरे को कहते चल क्यों नहीं चलता, तेरे को अपने आप आना चाहिए, भगवान ने जरूर कहा था लेकिन वो पूरा घमंड गया कहाँ है। सपत जी ने देखा कि इनका घमंड तो जाने वाला नहीं है, घमंड गए बगैर डके से कुछ नहीं, अपन क्या करें, मालिक जा करके यू ही बताते हैं तो ठीक है, मेरी जाने की क्या जरूरत है, लेकिन अब जो मालिक की मौत उसको कोई क्या करे, मालिक अपने भक्त की महिमा बढ़ाना चाहते थे इसलिए ऐसी मौत करी। तो सपत जी ने कहा कि महाराज मैं आ जाऊंगा, थोड़ी मेरी माला फेरनी बाकी है, ये सूटी पे माला फेरी हुई है, मेरे को पकड़ा दो मैं इसको फेर के आता हूँ। तो भीम उस समय के महान योद्धा थे, बलशाली थे, शारीरिक बल बहुत था, तन का घमंड बहुत था, मेरे जैसा सूरवीर कौन है, कोई मेरे से तो पीट नहीं सकता, ऐसा उनका अहंकार था। तो सपत जी ने वो कोटी पर से माला उठाने के लिए हाथ लगाया तो माला तो हिली नहीं, माला पे तो बजे 30-40-50 ग्राम होते हैं, माला हिली नहीं, और वो अपने आप को ताकतवर मानते थे भी ऐसे, माला नहीं हिली। अब सपत को कहते हैं भाई तेरी माला मेरे से उठती थी तो नाक और कट जावे, कौरवों को जिसने मार जरासंध को मारा द्वंद युद्ध के अंदर, दुर्योधन को मारा, वह भीम एक माला नहीं उठा सके, तो इस बात को स्वीकार नहीं कर पाए ना, घमंड भी गया कहा है। तो बोला रहे तो अपने आप उठा रहे, अपने आप माला फेर के आ जाना, मैं जाता हूँ, हैं आ जाना, क्या आऊंगा, चले गए। भगवान ने कहा क्या हुआ, लाए नहीं उनको, बोला कि वो आए ही नहीं, वो बोले कि मैं आ जाऊंगा माला फेरने, फिर मेरे को बोला कि माला दे, तो भगवान मैंने माला उठाई तो फूटी पर से माला दी नहीं, फिर मैं उसके सामने तो कैसे बोलता है कोई तेरी माला मेरे से उठती नहीं, पता नहीं क्या करामात है उसमें। तो भगवान ने कहा करामात कुछ नहीं है, तू उसके सामने नम्रता से पेश नहीं आया। बोला भी चंडार के सामने मैं कितनी नम्रता रखू, भगवान ने कहा देख ले तेरा काम अटका हुआ, फिर द्रौपदी गई, बोला द्रौपदी ने जाकर के नम्रता से प्रार्थना। सपत जी ने कहा कि भाई मैं ऐसे आता ही नहीं, किसी के खाना खाने में जाता ही नहीं, राज दरबार का खाना वगैरह मेरे बस का नहीं है, मैं तो खाना तब खाता हूँ जब जो है वो मेरे को तुम्हारे यज्ञ का पूरा फल दे। सपत जी ने देखा इसका अहंकार कितना कम हुआ, तो
का फल तो आप एक ही दिन में कहिए तो पा दे सकते हो। थोड़ा कहिए कि तुम्हारे हुए का एक ही तो अभी सफल नहीं हुआ है, तो कहिए कि का फल देगी कहाँ से, तेरे पास तो है ही नहीं। बोला कि ऐसा आप क्यों कहते हैं? महापुरुषों ने फरमाया, सद ग्रंथों में लिखा है कि संत दर्श को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पद आगे धरे कोटि जी के समान। मैं आपको बुलाने के लिए नंगे पैर नम्रता के साथ पैदल आई, एक एक पद मैंने आगे रखा करोड़ों करोड़ यज्ञ के समान है इसका फल, ऐसा महापुरुष कह गए तो उसमें से आपकी जितनी इच्छा हो दे दी, ये सब आपको अर्पण है। तब सौपति जी ने देखा कि इसका अहंकार कुछ कम हुआ, तब सौपति जी पधारे। अब वहां पे सोने की चौकी लगाई गई, सोने का बड़ा थाल सजाया गया, धूप भी तड़के से ही लगी थी, कई दासियों को लेकर के भोजन बनाने के लिए। आज ऐसे पत्त आकर के भोजन करेंगे जिससे अपना आश्रम में यज्ञ सफल होने वाला। बहुत प्रेम से रसोई बनाई, अनेक तरह के व्यंजन बनाए, अब बड़े सारे थाल में बड़े सारी चौकी पर कई कटोरियां कई प्यालों में कई तरह के पकवान रखे, कई मिठाइयां कई नमकीन 10-5 तरह की सब्जी 5-7 तरह के अचार चटनी। सौपति ने देखा ये जबर आफत आई, अब मैं इनका क्या करूं, मैं तो जानता नहीं कौन सी चीज इसका नाम क्या इसका स्वाद क्या, फिर किसको कहूं बाद में, ये कैसी आफत मेरे हाथ गड़े आके पड़ गई। तो द्रौपदी ने ला करके खुद परोसा और हाथ जोड़ करके प्रार्थना की गई, भगवान स्वीकार कीजिए शुरू कीजिए। उन्होंने अपने इष्ट देव के भोग लगाया और उसको स्वीकार किया, ग्रहण किया। जब उस भोजन को करने लगे, जैसे उन्होंने एक दो निवाड़ा लिया, आसमान से घंटे की ध्वनि आने लगी, सब खुश हो गए, वाह वाह सफल हो गया, धन्य है ये भक्त जिनके आने से हमारा यज्ञ सफल हो गया। द्रौपदी रसोई पुरुष कह रही तो वही कर रही थी, तो अंदर गई वापस की भाई कौन सी चीज कम पड़ गई, लेके हमें खीर लाने की चटनी लाने की रायता लाने क्या ना। अंदर गई तब तक वो सपत जी के तो ये समस्या थी कि क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, इतनी चीजें एक एक हुआ खाऊंगा तो मुसीबत, ये क्या है, बड़े लोगों की बड़ी आफत है। उन्होंने क्या किया, द्रौपदी जी अंदर गए जब तक क्या किया कि खिचड़ी और चावल और खीर और खटीर सारी कटोरियां थाल में उल्टी कर करके कटोरियों को खाली करके बाहर रख दिया, सबको एक में करके और फिर प्रेम से भोजन करने लगे। घंटा बज रहा था, द्रौपदी ने आके देखा ये सारा ही गुड़ गोबर कर दिया, और ये तो मैंने ऐसी ऐसी चीजें बनाई थी, इसमें एक तो बूंद पाप था, एक तो ऐसी ऐसी चीजें थी, अब उनका क्या किया, इन्होंने तो कचौरी के अंदर खीर मिला दी, मेरी सारी मेहनत बेकार गई। मन में आ गया कि आखिर है तो बंगी के बंगी, ये क्या जाने, मन में आ गया। अब वो भोजन कर रहे हैं, घंटे की आवाज रुक गई सही में, अब भाई मैंने नहीं सुना है, मैंने थोड़ी दी मेरा अपन, ऐसा शास्त्र कहते हैं, महापुरुष कहते हैं घंटे की आवाज रुक गई। घंटे की आवाज रुकते ही सबके कान खड़े हो गए, गधे के कान एकदम जैसे ऐसे रहते खड़े हो जाते, गाय जो अपने कान खड़े करते के लटकाते, सबके कान खड़े हुए, ये क्या हुआ। कृष्ण भगवान चौकन्ने हो गए, सारी बड़े जीती हुई बाजी हारने वाले हैं, किसी के मन में खोट आ गई, भक्त दयालु हैं, किसी के मन में खोटी भावना आई है उसका भी ख्याल नहीं रखने वाले हैं, लेकिन कुदरत को मंजूर नहीं है इनका अपमान, इसलिए भगवान ने कहा भाई देखो ये सारा बड़ा बनाया खेल बिगड़ने वाला है, किसके मन में मेल आया है साफ साफ कह दो, कपट रखोगे तो तुम्हारी जानो भाई। अब तुम लोगों में से तुम परिवार के लोगों में किसी के मन में कपट आया है मेल आया है, और भक्त तो दयालु हैं, उनको तो इस बात की कोई मलाल नहीं अफसोस नहीं है कि कपट क्यों आया, नहीं कोई छोटी बात उनके बारे में आई है तो क्यों आई, लेकिन कुदरत को मंजूर नहीं है, आपको अपना काम बनाना है तो सच्चाई से निष्कपट होकर के बोलो किसके दिल में खोट आए। द्रौपदी ने आगे होकर कहा भगवान मेरी गलती है, मेरे मन में खोट आए, क्या मेरे मन में ऐसा आ गया इस तरीके से, मैं अंदर रसोई लेने के पुरस्कार के लेने के लिए वापस आई तो इन्होंने सब सामान मिला दिया, तो मैंने सोचा कि मैंने इतनी मेहनत करके 3 बजे उठ के लगी दिन को 11:30 बजे भोजन बना और इन्होंने सारे वो मेरी मेहनत बेकार कर दी, तो मैंने सोचा कि ये क्या जाने है तो बंगी के बंगी इन पकवानों में क्या जाने, तो मेरे मन में ऐसा आया तब से घंटे की आवाज। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मन है ये भक्त है ये दयालु है ये कभी नाराज नहीं होंगे, तुम निष्कपट होकर के माफी मांगो। द्रौपदी जाके उनके चरणों में गिरती, भगवान मेरी गलती हो गई, मेरे मन में आपके प्रति खोट आ गई, मेरे मन में ऐसा ऐसा विचार आ गया, आप दयालु है माफ कीजिए। सुपति ने कहा भाई इसमें माफ करने की क्या बात है, दरअसल मैं ऐसा ही हूँ और मैं चाहता भी था कि मेरे को आप भोजन करने क्यों बुलाओ, राज दरबार में भोजन करना मेरे जैसे को सौंपा देता है, लेकिन अब आप लोगों का हुक्म मानना
रहना जरूरी है, आप राजा हैं, हम प्रजा हैं, कोई बात नहीं, आपके दिल में ऐसा आ गया तो इसमें क्या गलत हुआ। जैसे ही उन्होंने माफी मांगी और भक्त ने माफ किया, उसी समय घंटा वापस बजना शुरू हो गया। तो इस शरीर का इतना घमंड भी नहीं टिकने वाला है, किस बात का घमंड, वो चक्रवर्ती सम्राट थे, कुदरत के आगे चली नहीं बजा। तन तो तेरा आठ मिलेगा चौदह संख्या पढ़ना, इसलिए हुक्म देते हैं दीन गरीबी चित में धरना। यदि परमार्थ के रास्ते पर शुरुआत करनी है तो पहले दीनता और गरीबी को अपने चित में लाओ। बुल्ले शाह ने कहा भी मेरे को शहीद बोल दिया ना तो मेरे तो हाथ में नहीं है, आपको नरक में भेजूं स्वर्ग में, मालिक से प्रार्थना करता हूँ गुरु नरक में भेज दे आपको, मेरे को खूब सैयद कहते हो, मैं अब नहीं हूँ सैयद, मेरे गुरु महाराज अराई हैं और आपकी नजर में छोटे हैं, तो मैं तो उनका गुलाम हूँ, मैं तो उनके छोटे से छोटा हूँ, अब आप मेरे को सैयद मत समझना। ये नाम है गरीबी, उन्होंने स्वीकार की, धारण की आगे होकर के, जबकि ऊंचे खानदान से थे। अपना तो ऐसा कहा खानदान है, मोहम्मद साहब का खानदान दुनिया में कितने मुसलमान हैं, हिंदुओं से ज्यादा है, कई देश के देश मुसलमानों के हैं, और उन सब में श्रेष्ठ खानदान उतने मुसलमानों में सैयद होता है, उस सैयद खानदान से थे, और उनका ननिहाल साक्षात जो है मोहम्मद साहब के पाक यानी पवित्र खानदान से, वो जो वंश परंपरा थी उस परंपरा में थे। नाना तेरा पाक मोहम्मद दोस्ती नाल अरैया, तू अरैयों के साथ दोस्ती रखता है, तेरे नाना तो पाक पवित्र मोहम्मद साहब के खानदान थे। उन्होंने कहा नहीं मैं तो अराई हूँ और मोहम्मद मैं सैयद नहीं हूँ, मेरे को अगर तुम सैयद कहोगे तो तुम लोगों को नरक में जाना पड़ेगा, मेरे को अराई बोलो तो मालिक से मैं प्रार्थना करता हूँ आप लोगों को भी खुश होकर के बख्शीश करेगा। ये गरीबी उन्होंने धारण की, अपने तो है ही नहीं, काय का खानदान अपना, अपने तो बटेरों में कहीं भूखे मरे, कहीं जो है ना कहीं की इज्जत गई, अपने झूठे ही है कर रहे हैं, अपने गुब्बारे की तरफ बोल रहे हैं, फटने वाला है, फिर ये किसी काम नहीं आएगा गुब्बारा फट जाएगा, तो इसलिए थोड़ा गुमान को कम करें, गुब्बारा को इतना तो मत बोलने दो फट जाए, फट गया तो हाथ से चला जाएगा, बेकार समय आने के पहले ही चला जाएगा। अपन गुब्बारे की तरफ बोल रहे हैं, किसकी जाति कौन सी है, कौन बड़ा है, कौन ज्यादा विद्या बुद्धि में बड़ा हुआ है, कोई पढ़ाई लिखाई में, कोई पैसे के घमंड में, कोई शरीर के घमंड में, जात जाति के घमंड में, कुछ नहीं है। सारे के सारे ऋषि बड़े बड़े ऊंचे दर्जे के ब्राह्मणों के खानदान के वेद पाठी वेद के ज्ञाता ब्राह्मण भोजन कर गए, घंटा नहीं बजा, भगवान ने कहा मैं भोजन कर लेता हूँ, तुम रोज करता हूँ, कल भी क्या रहा, सुबह नाश्ता क्या रहा, बहुत कर लूंगा, नहीं बजेगा घंटा, नहीं बजना था तो नहीं बजना था, भक्त सही बजेगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा जाति में पूछो साधु की पूछ लीजिए, साधु से मतलब ऐसा नहीं है स्वपद साधु थे, स्वपद वैसे तो गृहस्थी थे, लेकिन वो जो साधना करता है वो साधु संत मत। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि इस बाहरी ज्ञान के ऊपर, बाहरी खोल के ऊपर, इस बाहरी आवरण के ऊपर ध्यान मत दो, अंदर जो कीमती चीज है उस पे ध्यान दो। सत्संगी नहीं देगा, सत्संगी कबीर साहब के हुक्म को नहीं मानेगा, सत्संगी राधा स्वामी साहब के हुक्म को नहीं मानेगा तो दूसरे कौन मानेंगे, दूसरे भी मान लेंगे तो उनका ही कल्याण हो जाएगा, जो मानता वही सत्संगी और जो नहीं मानता वो सत्संगी नहीं। अपन कहते हैं अपन बड़े सत्संगी, कहने से क्या होता है, बात नहीं मानेंगे जब होगा, और बात नहीं तब मानेंगे कि जब उनकी बात अपन अपने दिल में उतारेंगे, स्वीकार करेंगे, इसी में आगे आए आने वाले के बाद। गरीबी चित में धरना, काम क्रोध से बचना, भाई काम क्रोध से बचना भी जरूरी है, भक्ति के रास्ते पर परमार्थ के रास्ते पर आ गए हैं, संत मत में आ गए हैं, काम छोड़ो क्रोध छोड़ो, गुमान छोड़ना है, लोभ मोह अहंकार छोड़ना है, मान बड़ा ईर्ष्या राग द्वेष दंभ कपट पाखंड सब कुछ छोड़ना है। और सब कैसे छूटेगा, सब छूटने का तरीका भी आगे खुद ही फरमाएंगे, इसमें बात के नाम से छूटेगा, एक एक को छोड़ेंगे तो नहीं छूटेगा, और बात के नाम को पकड़ लेंगे तो सब छूट जाएगा। प्रीत प्रतीत गुरु की करना, नाम रसायन घट में चढ़ना, छोड़ने का तरीका भी बताते हैं, पहले कहा काम जोर से बचना, मन रे क्यों गुमान अब करना, क्यों अहंकार करता है, काम जोर से बच, नीम गरीबी को चित्र में धारण कर, कैसे होगा ये काम, कह दिया आपने फरमाया अपन ने सुना, लेकिन अभी अपने हासिल नहीं हुआ ना, तो हासिल होने का तरीका पता फरमाते हैं कि प्रीत प्रतीत गुरु की करना, सच्चे पूरे सदगुरु से प्रीत और प्रतीत, प्रतीत यानी उनका भरोसा, प्रीत यानी उनके चरणों में प्रेम, और इस
इसी प्रीत प्रतीत में ये बात छिपी हुई है कि दुनिया की प्रीत प्रतीत भी रह जावे और बाप जी के चरणों की प्रीत प्रतीत भी दिख जावे, ये भी नहीं होगा, नहीं होगा। प्रीत और प्रतीत एक समय में एक से ही होगी। बाप जी साहब ने कई बार फरमाया है कि मन मन एक बार में एक समय में एक से ही प्रेम कर सकता है। तो इसलिए प्रीत प्रतीत गुरु की करना, इस बात में ये बात भी छिपी हुई है कि प्रीत प्रतीत जगत की कम करना। तभी बाप जी के चरणों का प्रेम करने का मौका अवसर अवकाश मिलेगा। यदि दुनिया उतने की उतने दशे हुई है या जितनी खाली जगह उसमें और भर ले रहे, तो फिर बाप जी के चरणों का प्रेम कहाँ रखेंगे, दिल तो छोटा सा है। प्रीत प्रतीत गुरु की करना और नाम रसायन घट में जरना। जरना क्या है? जरना शब्द कई बार संत महापुरुषों की वाणी में आता है। दादू साहब की साकी संग्रह में तो पूरा अंग है, कम से कम 50-55 साकी है जरना के। जरना यानी जज्ब करना, हजम करना, अपने को बाप जी की दया हजम नहीं होती, जरना अंग नहीं है ना। दया बाप जी करते हैं, अनेक बार करी, अभी भी दया की बरसात जारी है, और करते हैं तो समदृष्टि से करते हैं, एक शरीर की करते हैं, अपने अवगुण नहीं देखते और करते हैं, फिर भी झरना अंग नहीं है। इसलिए कैसे टाली जाती है कि बरसात होती है। जमीन सब जगह समतल तो नहीं होती, कहीं ऊंची होती है कहीं नीची होती है। ऊंची यानी टेकरी पर बरसात हुई तो टिकी नहीं, टिकी कहाँ जाके, वो पानी बरसात का कहाँ जाके टिकेगा, जहाँ निवाण है, नीचा है, जहाँ पानी को फेरने के लिए अवकाश है, खाली जगह है, वहां टिकेगा। अपने झरना अंग नहीं है, जज्ब बिल्कुल नहीं होता। कभी बाप जी दया कर भी देते हैं तो उसका बखान करते हैं, इतना सा दया बाप जी की अपने जज्ब करी, इतना सारा बखान करते हैं ससुर सामने, मैं ऐसा हूँ, ऐसा ऐसा, बाप जी की दया से मेरा काम निप गया, उसका प्रचार करते हैं ज्यादा बड़ा चला के, ये झरना है, ये झरना नहीं है, ये दया करी उसको तोड़ना है, आइंदा से दया और मुश्किल से हो, झरना नहीं होता नहीं। झरना जोगी जुग जुग जीवे, झरना भाई भाई जात, झरना यानी जज्ब करना, झरना यानी फूटा हुआ बर्तन, दोनों मिलते जुलते शब्द है। झरना जय जहाज वाला, इस झरना को कहते हैं हजम करना, हजम कर लेना, जज्ब कर लेना, जैसे पानी पर रेत पर बरसात हुई और रेत ने उसको सोख लिया, ये सोखना, ये तो है झरना। और झरना यानी फूटी हुई मटकी में तिनका है, तीना है, छेद है, उस बर्तन में पानी डालना, वो झरना यानी बह गया, अपनी रसा झरना है। और जो योगी होते हैं, जो सुरसत योग का साधन करेंगे, जो परमार्थ के जो अभ्यासी हैं, उनको झरना अंग होना जरूरी है। झरना जोगी जुग जुग जीवे, दादू साहब ने फरमाया, जिस योगी यानी योग साधना करने वाले, जिस अभ्यासी सत्संगी के झरना अंग होगा वो जुगों जुगों तक जिएगा। और झरना भाई भाई जात, झरना यानी जिसका तीना फूटा हुआ है, काना बर्तन है, वो तो बह बह करके खत्म होने वाला है, बस खत्म, पानी कितनी देर टिकेगा, कितना डालो टिकने वाला, ये अपनी दशा और वो अभ्यासियों की दशा। तो यहाँ फरमाते हैं नाम रसायन घट में झरना, नाम रूपी रसायन, नाम रूपी अमृत को अपने घट में जज्ब करना। कैसे करना? नाम के अभ्यास में तो मन ही नहीं लगता, अभ्यास मन ही नहीं आता, लेकिन यदि समझदार होगा तो उस अभ्यास में लगेगा, और लगेगा तो थोड़ा बना आएगा, तो क्या एक एक बूंद करके भी समुद्र में भर सकता है, गड़ा भर सकता है, एक बूंद जितना तो एक दिन में हो सकता है। और उस बूंद को यदि झरना यानी बहने नहीं दिया, झरना यानी जज्ब किया, तो थोड़े दिन बाद में गड़ा नहीं भर जाएगा। पलटू साहब ने फरमाया है, चतुर जो होएगा बसेगा कसम को, बूंद ही बूंद समुद्र पर। यदि समझदार होगा सत्संगी, जिसको हमने उपदेश दे दिया, अपने शरण में ले लिया, वो सत्संगी प्रेमी यदि समझदार होंगे तो भरेगा कसम को, भरेगा यानी स्वीकार करेगा, अपनाएगा किसको, कसम यानी अभ्यास को। अपन बाहर ही सब काम अपना लेंगे, अभ्यास को टाल देंगे, ये काम देंगे, ये बात ही करा लेंगे अपने बस कर लेंगे, ऐसा कह करके टाल देंगे उसको। लेकिन पलटू साहब ने फरमाया कि यदि चतुर होगा, चतुर जो होएगा बरेगा कसम को, बरेगा यानी वर्ण करेगा, स्वीकार करेगा, अपनाएगा किसको, अभ्यास को, अपने जीवन में डालेगा, दिनचर्या बना लेगा, कोई बात नहीं, अभ्यास की अपने दिल में कदर नहीं है, कोई बात नहीं। बात ही फरमाते हैं ना, ये जरूरी है,
तो एक घंटा क्या बाप जी के कहने से अपने अपने जीवन में से 24 घंटे में से एक घंटा बाप जी के कहने से फालतू नहीं कमा सकते? कहते हैं क्या करें, बढ़ता ही नहीं है, फालतू जाता समय, जाने दो, बाप जी के नाम पर तो जाता है। क्या आल औलाद के लिए फालतू नहीं कमाते? अरे मेरे को पबजी रहती तो 5 बार निपट रह जाता हूँ, एक घंटा तो उसमें लग जाता है, क्या हो गया? स्पेन के लिए एक घंटा खराब कर सकता हूँ, इतने गंदे काम के लिए, भारतीय के लिए नहीं कर सकता, लेकिन नहीं करता हूँ। देखो अपनी दशा क्या है, कैसे वो टिकेगा नाम, चरना कैसे आएगी। लेकिन पलटू साहब कहते हैं यदि चतुर होगा तो हमारा कहना मानेगा और कसब यानी अभ्यास को स्वीकार करेगा, उसे अपनाएगा। और वो अभ्यास कैसा है, नहीं बनेगा तो भी बूंद ही बूंद समुद्र बनना, मैंने तो करेगी बात कही, पलटू साहब फरमाते हैं भाई बूंद बूंद से तो सागर बन जाएगा, बूंद बूंद से गागर और गागर से सागर भी हो जाता है धीरे धीरे। आज एक बूंद जितना नाम मिलेगा, कल बाप जी दया करेंगे, खुश हो जाएंगे अपनी लगन देख करके कि भाई छूटता नहीं है, ये बुखार है आज इसको तो भी एक घंटा उठ के बैठा, कल रात को कहीं शादी में जाके आया 11:30-12 बजे सोया फिर भी रात को उठ के बैठा, क्योंकि अब आप जी देखते नहीं इस पर तो खुश नहीं होंगे, होंगे और होंगे, जब मिलेगा मिलेगा तब वो गड़ा बढ़ जाएगा। बूंद ही बूंद समुद्र बढ़ना, एक बूंद से तो बन सकते हैं, अपने पास सीर नहीं है नाम की, नाम के अपने पास स्रोत नहीं खुला है, लेकिन एक एक बूंद जितना तो आप जी अपनी तरफ से ही देते हैं ना, इसलिए हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा, मन के कहने से काम नहीं चलेगा, समय का मजन मन मलिन के कहे न चलना, लेकिन इस काम के अंदर लगने नहीं देगा मन, क्योंकि मन मलिन है। महापुरुष जानते हैं, संत जानते हैं, बाप जी जानते हैं, देखो तुम इतना संकल्प करोगे तो भी कल वापस नया मलिनता, नया उपद्रव, नया शंका, नया संशय, नया बखेड़ा मन पैदा करेगा। इसलिए पहले से हुक्म देते हैं, सावधान करते हैं, देखो ये मलिन है तुम्हारा मन, इसके कहे में मत चलना। जो मजबूत संकल्प कर लिया है कि आज से उसको पूरा होने पर एक घंटे का नियम बनाएंगे, ये भी गलत बात है, फिर तो नहीं बनेगा, आज से बनाएंगे तो बनेगा, इसके बीच में ही करना है सारे काम दुनिया के और परमार्थ के जो बाहर मुख्य उनके बीच में एक घंटा अंतर्मुखी काम के लिए। कम नींद लेंगे, स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रहेगा, कोई बात नहीं, मरना है वैसे, लेकिन ये बात मैं जबान से कहता हूँ, मेरा कहने का अधिकार नहीं है, मैं नहीं कहता है, तो बाप जी की कई बात को अपनी याद करते हैं, ये तो राधा स्वामी साहब के मुखारविंद के वचन है, साक्षात मालिक दुनिया में पधारे थे बाप जी के रूप में, राधा स्वामी साहब के रूप में, कबीर साहब के रूप में, वो अपने लिए कह गए हैं और केवल उन्होंने उनके सामने जो सत्संगी थे उनको ऐसा हुक्म दिया, वो उनको भी दिया, लेकिन वाणी वचन बना करके रख गए अपने लिए भी ये दया करके। वो बात बाप जी ने कही, वही उन्होंने कही, वही और संत कहेंगे, हमें कोई फर्क नहीं है। मन मलिन के कहे न चलना, इस मलिन मन के कहने में मत चलना, धोखा दे देगा, ले जा करके उल्टी जगह पे मारेगा, ऐसी जगह मारेगा जहाँ पानी, कहते हैं ना तेरे को तो ऐसी जगह मारूंगा जहाँ पानी भी नहीं मिलेगा, पानी भी नहीं मिलेगा, दरअसल में मन ऐसा ही है, ऐसी दुर्गति कराएगा, इसलिए कहते हैं मन मलिन के कहे न चलना, गुरु का वचन ही बीच रखना। मन से सावधान होने का क्या उपाय है, बाप जी शरीर रूप से दुनिया में नहीं है, उनके वचन है, जो आदेश वो दे गए हैं हृदय से उसको आगे पीछे मत होने दो, मन का दाम नहीं लगेगा। और जो बाप जी के हुक्म की कदर नहीं है तो फिर मन तो इसका मतलब तो मन बेटा ही यार वो ही चलाएगा हुक्म, भाई दो ही बातें हैं, या तो बाप जी का हुक्म चलेगा या मन का हुक्म चलेगा। सूरत तो लाचार है, सूरत बाप जी की गुलामी नहीं करेगी तो मन अपनी गुलामी करवाएगा, और अभी भी कर रहे हैं अपन मन की गुलामी। अब मन की गुलामी से पिंड छुटाना हो तो गुरु के वचन ये बीच रखना हृदय में हर समय, सावचेत होकर के बाप जी के वचनों के ख्याल रखना। नफा नुकसान जिसने शरणागति ले ली सब बाप जी पर डाल दिया, सब अपना